जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं गुरुवार व्रत की कथा। गुरुवार के व्रत में भगवान बृहस्पति देव का पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान बृहस्पति देव का वास जो कि केले के वृक्ष में माना गया है। गुरुवार के दिन चाहिए कि इस दिन सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करें या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर केले वृक्ष के चारों तरफ अच्छे प्रकार से साफ सफाई करके केले वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और जहाँ पर केले का वृक्ष ना हो वहाँ पर आप भगवान बृहस्पति देव की फोटो या प्रतिमा रख करके उनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। भगवान बृहस्पति देव को जल अर्पित करें, पीला वस्त्र अर्पित करें, पीला चंदन चढ़ाएं, पीला पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, विशेष करके पीले वस्तु का भगवान बृहस्पति देव को भोग लगाएं। भगवान बृहस्पति देव को पीला वस्तु अति प्रिय होता है तो खासकर गुड़ और चने की दाल का भगवान को भोग लगाए और मुनक्का आदि का भगवान को भोग लगाए। उसके बाद फिर गुरुवार व्रत का कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें। इस प्रकार से गुरुवार व्रत को करने से भगवान बृहस्पति देव अति प्रसन्न होते हैं। जो भी व्रत धारण करते हैं उन्हें गुरुवार के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करें, तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव ना लाए, ब्रह्मचर्य का पालन करें और पूर्ण निष्ठा भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करें। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं गुरुवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान ना थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, उसकी स्त्री ना स्नान करती और ना किसी देवता का पूजन करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। अपनी पत्नी को बहुत समझाते किंतु इसका कोई परिणाम ना निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वही जौ जो कि स्वर्ण के हो जाते थे तो उसको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने के सूप देने की प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, यदि सच्चे मन से मैंने आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर लेकर आई और उससे जौ को साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि कन्या सोने के सूप में जब जौ को साफ कर रही थी उस समय उस नगर का राजकुमार वहाँ से निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल का त्याग करके उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार प्राप्त हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और पूछा कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया अथवा कोई और कारण है? मुझे बतलाओ, मैं वही कार्य करूंगा जिससे कि तुम्हें प्रसन्नता की प्राप्ति हो। अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमार बोला कि हे पिताजी, मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो लड़की सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। मंत्री
उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिनों के बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह जो कि राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा तो ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को वहाँ से विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली कि हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लेकर आओ, मैं उन्हें यह विधि बता दूंगी जिससे कि गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातः काल स्नान करके विष्णु भगवान का पूजा करो और बृहस्पतिवार का व्रत करो तो तुम्हारी सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात ना मानी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन को खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया और प्रातः काल उसे स्नान आदि करा करके पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम पूर्वक प्रत्येक दिन पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसे सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हुई और मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बृहस्पति देव सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, कथा पढ़ते हैं एवं सुनते हैं या दूसरों को सुनाते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं और उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन एवं व्रत सच्चे हृदय से करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण होती है जैसे कि उस ब्राह्मणी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उसकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण कर दी। इसलिए सभी को चाहिए कि भगवान बृहस्पति देव का पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पूजन करें और कथा सुन करके प्रसाद ग्रहण करें। इससे भगवान बृहस्पति देव अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान बृहस्पति देव की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ गुरुवार का व्रत करते हैं, भगवान बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, इससे भगवान बृहस्पति देव अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्ट को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञान वर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।